हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं क्लास 8 एडमिशन के लिए मैथ्स का सैम्पल टेस्ट पेपर। ये सैम्पल टेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो किसी भी स्कूल में क्लास 8 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। क्लास 8 में एडमिशन के लिए 3 सेक्शन एग्जामिनेशन में आता है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का। किसी किसी स्कूल में SST और GK का भी सेक्शन होता है। क्लास 8 एडमिशन टेस्ट पे सारी जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मैथ्स का सैम्पल टेस्ट पेपर, जो मैंने उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट पेपर बच्चों को दिया जाता है। जब भी स्टूडेंट इस वर्कशीट को सॉल्व करे, वो ध्यान रखे कि इसे सॉल्व करना है 1 से 1.5 घंटे के बीच में। एग्जामिनेशन से पहले 4-5 इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जरूर दें। या तो आप वर्कशीट घर पर बना सकते हैं या फिर इसका PDF मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लास 8 एडमिशन टेस्ट के लिए मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर। सेक्शन ए में 10 सवाल है और हर एक सवाल 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15 5/6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 623, फाइंड द अदर। आंसर इज 2 3/8। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। आंसर इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। आंसर इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, if 2 lines intersect at a point and if 1 pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertical opposite angles are. Answer is obtuse angles. Question number 5, 1 hectare equal to - meter square. Answer is 10,000 meter square. Question number 6, perimeter of a rectangle is. Answer is 2 multiplied by L plus B. Question number 7, 2 to the power 0 multiplied by 3 to the power 0 multiplied by 4 to the power 0 equal to. Answer is 1. Question number 8, express in power notation -32/243. Answer is -2/3/5. Question number 9, add 23.8, 8.94, 0.078 and 214.6. Answer is 247.418. Question number 10, the sum of 2 integers is -11. If one of them is 9, find the other. आंसर इज -20। अब आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें 3 सवाल है और हर एक सवाल 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स बनेगा 6। क्वेश्चन नंबर 11 है, -4(2+x)=8। क्वेश्चन नंबर 12, 12 meter square - 9 meter + 5 meter - 4 meter square - 7 meter + 10 = आंसर इज 8 meter square - 11 meter + 10। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a = 5 व्हेन x = 0। आंसर इज -5। सेक्शन सी में 3 सवाल है और हर एक सवाल 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स बनेगा 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -4/5 and -2/3। आंसर इज -7/9, -34/45, -11/15, -32/45 and -31/45। क्वेश्चन नंबर 15, अ रूम 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड is surrounded by a 1.25 meter wide veranda. Calculate the cost of cementing the floor of this veranda
at rupees 80 per meter square. Answer is rupees 3600. Question number 16. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the following: highest and lowest marks obtained by the student, range of the marks obtained, mean marks obtained by the group. Question number A ka answer hai highest 95, lowest 39. B ka answer hai 56 aur C ka answer hai 73. Is tarah ki 4-5 worksheet agar student examination se pehle solve karte hain to unka confidence aur accuracy kafi zyada badh jayega aur unka kisi bhi school mein admission test clear karna mushkil nahi hoga. इस वर्कशीट का पीडीएफ आपको ईमेल पर चाहिए तो आप मुझे मेल करें snehasmithisethi2019@gmail.com पर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज एडमिशन और अलग अलग इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर मैं अपने वीडियो में आती हूँ. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.